पूज्य सिंधी पंचायत ट्रस्ट झुलेलाल मंदिर यांच्या वतीने सिंधी समाजाचे इष्टदेवता झुलेलाल साई यांची जयंती व चेत्री चंद्र उत्सव उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्त पनवेल शहरातून काढण्यात आलेल्या शोभायात्रेत सिंधी समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. पनवेल शहरातील विश्राळी नाका येथील सिंधी पंचायत हॉल शेजारील झुलेलाल मंदिरात आज दिवसभर धार्मिक कार्यक्रम साजरा करण्यात येणार असल्याची माहिती ॲडव्होकेट मनोहर सचदेव यांनी दिली. यामध्ये बहेराणा साहेबची पूजा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा प्रसाद आदी कार्यक्रमांना समाज बांधवांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. यानिमित्त आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी या कार्यक्रमाला भेट देत झुलेलाल साई यांचे दर्शन घेतले व सिंधी बांधवांना झुलेलाल जयंतीच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच जयंतीनिमित्त सिंधी समाज बांधवांतर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते विश्राळी नाकापर्यंत शोभायात्रा काढण्यात आली. या शोभायात्रेत ॲडव्होकेट मनोहर सचदेव, अशोक जेसवानी, हितेश ग्वालानी, महेश चेतवानी, आनंद सचदेव, चंदर देवानी, अनिल फुलवानी, विशाल नागर आणि दौलत सचदेव, रमेश सचदेव, राजू सचदेव यांच्यासह महिला वर्ग व सिंधी समाज बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आप सभी पनवेल के सिंधी समाज को, सभी सिंधी बहनें और भाइयों को चेटी चंद की बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को. आज झुलेलाल, आज आप सभी ने बहुत ही उत्साह में पनवेल में ये जो जुलूस निकाला हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है पूरी दुनिया में आज के दिन इस उत्सव को मनाया जाता है. हमारे सिंधी भाई दुनिया में जहाँ कहीं भी गए हैं, अपने प्यारे मीठे स्वभाव से उन्होंने दुनिया को जोड़ा है और दुनिया को मोहब्बत सिखाई है, प्रेम भाईचारा सिखाया है, और यही भाईचारे से पनवेल में कई सारे डेवलपमेंट के कामों में आपका हाथ लगा हुआ है, और आप ही की वजह से पनवेल की दुनिया में चार चांद लगे हैं. तो इसके लिए फिर एक बार सभी हमारे सिंधी बहनों को और भाइयों को मेरी ओर से चेटीचंड की बहुत बहुत शुभकामनाएं.